बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम अपने वोकैबुलरी लर्निंग कोर्स में जो नया सेशन स्टार्ट करेंगे उसका पहला लफ्ज़ है एलर्जी। पांच नए लफ्ज़ हम सीखेंगे और आपने कोशिश ये करनी है कि जितना हम इस जो भी हमारा सेशन होता है जिस वर्ड को हम अंडर डिस्कशन होता है तो यूनिडायरेक्शनल है, मैं ही उस पर सिर्फ डिस्कस कर रहा होता हूँ, तो आपने उसके रिस्पांस में जिस वक्त तक उस लफ्ज़ पे डिबेट चल रही होती है, बात चल रही होती है, तो आप उसको रिवाइज़ करते रहें और उसके मीनिंग को बार बार जो है इंग्लिश और उर्दू वाले मीनिंग दोनों को रिवाइज़ करते रहें। तो कम अज़ कम हमारे 2 से 3 मिनट तक एक वर्ड पर डिस्कशन होती है अगर आप उसको बार बार बोलते रहें अपने दिल के अंदर अपने, तो आप उसको एक अच्छी ग्रिप कर सकेंगे। जब हमारा ये 12-14 मिनट का सेशन एंड होता है तो आपकी वो वोकेबलरी के वर्ड्स हिस्सा बन चुके होते हैं, तो बाद में क्विक रिवीजन की ज़रूरत होती है। और जैसा कि पहले भी मैंने लास्ट सेशन में कहा कि ये मोस्ट वल्नरेबल एरिया है जहाँ पे CSS एस्पिरेंट भी जो है वो सरेंडर करते हैं और उनके पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिससे वोकैबुलरी याद कर सकें। तो वोकैबुलरी को याद करने के लिए जितना कन्वीनियंट हो सकता है मैं अपने एंड पे उसको आसान अंदाज में आप तक कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके पास अगर इससे अच्छी कोई सजेशन हो तो आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम उसको मज़ीद आसान करने के लिए भी कोशिश करेंगे। तो ये एक ऐसा एरिया है जिस पे आपकी डेडिकेटेड एफर्ट्स और डिवोशन चाहिए जिससे आप नए लफ्ज़ को ध्यान से सुने भी और बाद में प्रैक्टिस भी करें और अपनी स्पीकिंग में उसको लेके आएँ, जितना मुमकिन हो सके राइटिंग और स्पीकिंग में उनको लेके आएंगे तो ये वोकैबुलरी आपका जो है वो ग्रिप में आ सकेगी। अदरवाइज़ जो है सिर्फ सुनने से या अल्फाज को रटा लगा लेने से ये मुमकिन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी मेरी डायरेक्शंस होती हैं, जितना मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, तो उन पे आप अमल करते हुए इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो आज का जो नया हमारा वर्ड है वो है एलर्जी। एलर्जी के उर्दू में मतलब होता है मरसिया नोहा, यानी कि जो किसी की डेथ हो जाए तो उसके लिए जो बोला जाए पढ़ा जाए तो उसको एलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है, आगे दोबारा आते हैं डिटेल में इस पर पिक्चर्स वगैरह के साथ, लेकिन अब पहले सेशन में सिर्फ हम उसके उर्दू के मीनिंग ही कवर करेंगे। एलिसिट नया वर्ड है जिसके मानी होते हैं गुस्सा दिलाना, जाहिर करना, उभारना या किसी को ललकारना। एलिसिट कॉल फॉर इमोशन फीलिंग्स एंड रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एलिक्सिर, ELIXIR, एलिक्सिर, ए सब्सटेंस बिलीव टू क्योर ऑल इल्स, एक ऐसी दवा जो हर मर्ज के लिए शिफा हो, अक्सीर हो, एक खुशबू वाला मीठा अल्कोहली माया जिसको जो दवाई के अनासर में इस्तेमाल भी किया जाता है और खुशबू और खुश जायका होता है और हर किस्म की जो बीमारी होती है उसको ख़त्म करने की सलाहियत रखता हो, तो उसको एलिक्सिर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इलिशिडेट। अक्सर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं कि जो क्वेश्चन लिखा हो तो साथ में लिखा होता है कि इलिशिडेट योर आंसर, कि आप उसको आसान फहम बनाएं जो समझा जा सके, जिसको इलिशिडेट कहते हैं। तो मेक अ क्लियर मोर कम्प्रीहेंसिबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिजियन, या इसको एलिशियन भी आप पढ़ सकते हैं, एलिशियन, तो रिलेटिंग टू एलिशियन फील्ड्स, यानी कि जन्नत के बागात से जो रिलेटेड हो, बहिश्ती, नहत, आरामदेह, फरहत अंगेज़, जो दिल को पसंद आने वाला, राहत बख्श, तो ये सारे इसके मीनिंग है। नेक्स्ट हमारा वर्ड होगा वो है इमेशिएटेड। इमेशिएटेड जिसका मतलब होता है बीमारी या भूख की वजह से कोई लागिर हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो उसको इमेशिएटेड कहते हैं। तो अब ज़रा हम इनकी पिक्चर्स से डिटेल देखते हैं और फिर इनको याद करने की कोशिश करते हैं सेंटेंसेस की मदद से भी।
एलिजी, जैसे कि किसी की डेथ पे एक सैड वर्ड्स होते हैं। हर स्टोरीज टेंड टू बी कोएक्सेटिक कॉमेडीज रैप्ड अराउंड एन एलिजी, कि किसी की शायरी का अंदाज़ ही ऐसा होता है कि वो हमेशा मरने और डरने और रोने की बातें कर रहा होता है, उसी के गिर्द घूम रही होती हैं। ए मॉर्नफुल पोएम, ए लैमेंट फॉर द डेड नोहा। नेक्स्ट वर्ड एलिशिट, कॉल फॉर इमोशन फीलिंग्स, यानी कि किसी को उभारना, ललकारना। जेनकिंग्स, आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द टैक्स ऑफिसर, डू यू थिंक दिस कॉन्स्ट्यूम विल एलिसिट सिंपैथी। तो इसका और सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं जिससे हमें ये अच्छे तरीके से याद रखने में हेल्पफुल रहे। इट इज़ एन इमोशनल इशू दैट समटाइम एलिशिएट्स स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेज, येट द केस ऑफ लैन ई डेविस एलिशिएट्स ए चिल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिक्सिर। एलिक्सिर के मानी ऐसी दवा जो तमाम बीमारियों का हल हो, इलाज हो। ए सब्सटेंस बिलीव टू क्योर ऑल इल्स। यू हैव इन्वेंटेड एन एलिक्सिर नॉट ऑफ मेमोरी बट ऑफ रिमाइंडिंग, टू कंप्लीट द एलिक्सिर एड ए पिंच ऑफ होमस्पन फैनेटिसिज्म, विच वॉज जस्ट द एलिक्सिर द सेब्रिस हैड बिन होपिंग फॉर। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वो है एलिशियन। एलिशिडेट, तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं। किसी को वाइट बोर्ड पे अगर आप समझाते हैं तो एलिशिडेट करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, कलेक्शंस ऑफ लेटर्स कैन एलिशिडेट व्हाट वाज अपरमोस्ट इन एन आर्टिस्ट माइंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एलिजियन, या इसको हम एलिशियन भी रीड कर सकते हैं। रिलेटिंग टू दी एलिशियन फील्ड्स, यानी कि जन्नत के बागात की बात जब कर रहे होते हैं। लेट अस होप द एलिशियन फील्ड्स आर फुल ऑफ सच टॉक्स, बहती नहायत आरामदेह जो इमेजिन किया जा सकता हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है इमेशिएटेड, जो लागर हो जाए किसी बीमारी की वजह से, बीमारी या भूख की वजह से नहायत कमज़ोर हो जाना। इसके सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, टूरिस्ट गाइड केयरलेस अगेयर रिकॉल्स लूजिंग 40 pounds एंड लुकिंग इमेशिएटेड, कि अगर कोई टूरिज़्म एक ऐसा करे जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती हो, तो फिर अगर वो कमज़ोर हो जाए तो उसको किस तरह दिखाई देगा, इमेशिएटेड। तो टूरिस्ट गाइड कॉलस अग्वेर रिकॉल्ड लूजिंग 40 pounds एंड लुकिंग इमेशिएटेड। तो आज का सेशन यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपने लर्न किया होगा। दो में याद रखिए, अल्लाह हाफिज।